सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती का कुछ इस तरह से पोस्टर डिजाइन करने वाले आप भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि इस भी पोस्टर का मैं आपको ऑल पीएनजी बैकग्राउंड एंड पीएलपी फाइल दे दूंगा, जिसको आप इजीली डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। सो गाइस, सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपको कभी बैनर पोस्टर नहीं डिजाइन किए हो तो ये वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना। जब डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो यहाँ पर देख सकते साफ साफ लिखा इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है ना। जो फर्स्ट नंबर पर लिंक मिलेगा इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, कौन सा फाइल यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एंड फाइल वगैरह कैसे भी डाउनलोड कर सकते हो। या फिर पहले से वीडियो वगैरह देखते हो तो आप जी फाइल यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको जी फाइल वगैरह को ओपन कर लेना है, साइट पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। अब भाई डाउनलोड जब करके आओगे तो आपको क्या करना है, पिक्चर लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते पता नहीं पहले से क्या क्या खुल के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से कैंसिल करके बिल्कुल न्यू इंटरफेस में ओपन कर लेता हूँ। अब गाइज, अगर आप पहले से डिजाइन करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं सब कुछ देते रहता हूँ, तो आपके जैसे मन वैसे डिजाइन कर सकते हो, पीएलपी फाइल वगैरह यूज कर सकते हो। तो मैं पीएलपी फाइल ही यूज बताऊंगा, ठीक है ना, आपको जैसे मन वैसे डिजाइन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से ओपन पीएलपी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो गाइस, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि पीएलपी फाइल वगैरह क्या है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पे कुछ इस तरह से पीएलपी फाइल हमने बनाया जो कि काफ़ी मस्त है, ठीक है। तो गाइस, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और यार इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहेगा। मैं किसी वीडियो में पासवर्ड वगैरह नहीं दूंगा और इस वीडियो में भी नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, न्यू दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से बैनर पोस्टर हम आपको लिए देते रहेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम बता दें कि ये सब जो भी फॉन्ट हमने यूज किए हैं, ये सब फॉन्ट आकृति दो का फॉन्ट है, जिसके आप काफ़ी आसानी से यूनिकोड वगैरह निकाल सकते हो। तो हम चलिए यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, उसी तरह से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पे फोटो वगैरह लगाना काफ़ी ईजी है, जो कि हम उसी वीडियो में बताए हैं। तो वो बिल्कुल न्यू हो तो जाकर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो गाइस, इसका भी यूनिकोड निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे जो इंडियन फोन कन्वर्टर है इसको आपको ओपन कर लेना, और यहाँ से ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जो यूनिकोड कृति देखो ऑप्शन, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे आपको ऊपर वाले बॉक्स में आपका जो भी नाम रहेगा, ठीक है ना, आपको सिंपली से नाम लिख लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ही नाम लिख लेते हैं, आप जो है अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। याद रखेगा कि आपको हिंदी में ही लिखना है। तो एग्जांपल के लिए हम पिंटू ही लिख देते हैं। आप जो भी लिखना चाहते हो पोस्टर पर, जो भी कुछ लिखना चाहते हो, इसी तरह से आप यूनिकोड निकाल करो। यहाँ पे यूनिकोड कृतित्व वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और इजिली आपको यहाँ पे पिक्चर लेवल एप्लीकेशन में फिर से आपको आ जाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे जो भी पहले से लिखा है आपको सबको डिलीट कर देना, और यहाँ पे थोड़ा देर क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना अपना जो भी नाम लिखे रहेगा। तो यहाँ से चलिए, हमें यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा हम उसको कट कर दिए हैं तो कॉपी और रह गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ से कॉपी कर दिए हैं, जो नरेंद्र मोदी लिखा है इसको आपको डबल क्लिक करना है, फिर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी पहले से कुछ भी लिखा रहेगा आपको डिलीट कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको थोड़ा देर क्लिक करके रखना है, क्लिक करके रखने के बाद पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट करके यहाँ से आप जैसे ही ओके करोगे तो देख सकते हैं नाम चेंज हो चुका है। उसको आप यहाँ पे बारह भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसी तरह से अब सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो विशेष अगर आपको प्रफुल्लित करना है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, इसको गैलरी में सेव कर सकते हो। यहाँ से ये सब हम क्या बताएं यार, सब कुछ तो आपको पता है, सिर्फ गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।